आवाज मानदेशाचा। मान तालुक्यातील मसवड येथील ज्येष्ठ पत्रकार सलीम पटेल चोपदार यांचे द्वितीय चिरंजीव फराज पटेल चोपदार हा लॉचे शिक्षण घेत असून त्यास शायरी लिखाणचा आणि सादरीकरणाचा छंद आहे। फराज याने आतापर्यंत सुमारे 1000 अधिक शायरीचे लिखाण पूर्ण केले आहे। त्यांनी लिखाण केलेल्या शायरीच्या सादरीकरणाचे पुणे येथे 2 कार्यक्रम झाले आहेत। नुकताच पुणे येथील IT कंपनीचे उद्घाटन झाले असून या उद्घाटनाप्रसंगी फराज पटेल चोपदार यास खास बाब शायरी सादरीकरणासाठी खास निमंत्रित करण्यात आले होते। या कार्यक्रमात फराज यांनी खूप सुंदर कल्पनेतून उपस्थितांसमोर प्रत्येक शायरी सादर करून उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केलं। फराज यांनी पुढे येथील कार्यक्रमात सादर केलेल्या शायरी आपणही ऐकूया। तो लिखा है के जैसे ही मैंने उसे पहली नजर देखा, जैसे ही मैंने उसे पहली नजर देखा, वो मुझे जन्नत की हूर दिखाई दी। आंखों में काजल, कटार सी नजर, रेशमी जुल्फे, रसीले होंठ, गुलाबी गाल, गले में नाजुक श्रृंगार, उसके कान का झुमका, माशाल्लाह। जब नजरें आपस में टकराई, वो भी देख रही है, देखो कौन आया है, हमको हमको कम समझेगा, वो भी देख रही है, ठीक है। जब नजरें आपस में टकराई, उसकी आंखों में मुझे हलचल दिखाई, उसको देख, उसको देख, मेरे दिल की गुलिस्ता में गुलदम की बहार, उसकी आंखों की हलचल में, उसकी आंखों की हलचल में मुझे तितली नजर आई। चंचल सी हवाई, चंचल सी हवाई, मेरे फूलों की महक को उस तक उड़ा ले गई। उसके दिल के भीतर की तितली तो देखो कैसे बेचैन हो गई, वो भी परेशान है, वाह क्या देख लिया। चंचल सी हवाई, मेरे फूलों की महक को उस तक उड़ा ले गई। उसके दिल के भीतर की तितली तो देखो कैसे बेचैन हो गई, वो ना ही मेरी आंखों में भर पाई खूबसूरती, देखो ना ही मेरे आंखों में भर पाई, ना ही मेरे गजल में पूरी समाई, मेरे दिल की धड़कनों में तेजी भर आई, मेरे दिल पे अपने नाम की मुहर लगा गई। खुदा जाने कई सी आफरीन मुझे नजर आई, जन्नतुल फिरदौस की परी रास्ते से गुजरती नजर आई। अब ऐसी लड़की देख तो ली है, लड़का सोएगा नहीं, ठीक है, वो घर जाता है, चला गया घर, खाना पीना खाया, बस मुस्कुराते हुए अकेले अकेले सो गया। तो एक सपना आता है, एक लम्हे का, वो जो लम्हा था, जो बीता था, उसकी देन थी, वो फिर सपने में आता है। उसमें लिखा है कि एक सपना है, एक सपना है जो सौदागर है, एक मैं हूँ, एक सपना है जो सौदागर है, एक मैं हूँ जो उसका खरीदार हूँ। सौदे में मैंने उसे सब बेच लिया, जोता बेच लिया, सौदे में मैंने उसे सब बेच दिया और उस लम्हे को खरीद लिया। उस लम्हे में मचलती इटलाती हवाएं, हवा तो अपनी थी जो गुल को ले गई थी वो वापिस आई, उस लम्हे में मचलती इटलाती हवाएं, गुलों की बहार, खुशबू और तुम्हारे आने का इंतजार है। और कोई नहीं है वहां, और कोई नहीं है वहां, और कोई नहीं है वहां, सिर्फ मैं हूं और केवल तुम्हारा इंतजार। अब धीरे धीरे वो आ रही है, आ रही है, हमने बुलाया। माझ ओव्हर न्यूज संपादक बापूसाहेब मिसाळ वरकुटे मलवडी। आपल्या जिल्ह्यातील तालुक्यातील लेटेस्ट बातम्या पाहण्यासाठी आजच माझ ओव्हर न्यूज चॅनलला यूट्यूब वर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।